एंड कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम हमारी वेबसाइट को एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में एक महीना, दो महीना या तीन महीना तक वेट करते हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए, लेकिन हमें कोई रिप्लाई मिलता नहीं है एडसेंस की तरफ से, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम एडसेंस में कनेक्ट किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी ब्लॉगर वेबसाइट ओपन करनी है। मैं यहाँ से कोई भी मेरी एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि हम एडसेंस से कनेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। हमें हमारी ब्लॉगर वेबसाइट ओपन करनी है, देन उसके बाद हमें अर्निंग सेक्शन में जाना है। देन उसके बाद में यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, आपको यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और देन आपका एडसेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, बात अभी भी वही है कि हम यहाँ से कनेक्ट तो हो जाते हैं और यहाँ पे हमें मैसेज भी मिलता है कि एडसेंस इज रनिंग योर साइट फॉर सम पब्लिशर, तो एक्टिवेशन प्रोसेस कैन बी क्विकली एज अ डे एंड फॉर अदर्स इट कैन बी टेक सेवरल वीक्स। यानी थोड़े दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं उनको रिप्लाई देने में एडसेंस की ओर से। तो इस कंडीशन में दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए कि हमें एडसेंस की तरफ से हमें रिप्लाई आए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। मैं यहाँ गूगल से एडसेंस में लॉगिन हो जाना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि जब भी आप आपके ब्लॉगर को आप एडसेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो ओनली चार ही ऑप्शन दिखाएंगे, ये बाकी के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको होम देखने को मिलेगा, पेमेंट, अकाउंट और फीड, ये चार ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी मेरे को सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीट की हुई है। फिर भी मेरी वेबसाइट के लिए अभी भी ये ऑप्शन ओपन है, यानी कि वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग अप। टोटल मेरी 12 वेबसाइट है और ये मेरा खुद का अकाउंट है और मैंने दूसरे भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने भी वेबसाइट क्रिएट की हुई है उनके अलग इंडिविजुअल अकाउंट में। तो इस तरह से हम एडसेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक कोई भी एडसेंस अप्रूवल मिला नहीं है या कोई भी रिप्लाई भी नहीं मिला है। ये अभी मैंने साइट को ऐड किया है जस्ट वन वीक और अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन ये तो हम मान सकते हैं कि वन वीक में कोई रिप्लाई नहीं मिल सकता है। लेकिन मैंने एक वेबसाइट है मेरी दूसरी, इसे मैंने 3 महीने पहले अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक मेरे को उनका कोई रिप्लाई नहीं आया एडसेंस की ओर से। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें सजेशन मैं आपको दूंगा कि हमें इस कंडीशन में एडसेंस की ओर से रिप्लाई आए, इसलिए हमें कुछ ऐसे प्रोसेस करनी पड़ेगी कि जिससे इजीली से हमें ये जानने को मिले कि एक्चुअली हमारी वेबसाइट में इश्यू क्या है या फिर हमें अप्रूवल मिली है या नहीं मिली, हमें ये जानना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड पे
फीडबैक पे जाएंगे, फीडबैक पे क्लिक करेंगे और दोस्तों देखिएगा कि इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। और आप एसेंस के लिए जब भी इस तरह से फीडबैक दें तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको कॉपी कर सकते हैं, जस्ट पेस्ट इट। तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ मैंने इस कोड सॉरी टेक्स्ट को कॉपी कर दिया है और यहाँ पे नीचे से आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से पूरा एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में डन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको सेंड पे क्लिक करना है। आप ये टेक्स्ट कर लीजिएगा और इसमें आप चाहे तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से आप कितना चाहें आप ये रोल के लिए आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में सेंड पे क्लिक करना है। तो देखिएगा दोस्तों कि हमारा फीडबैक सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरह से गूगल एडसेंस में उनको फीडबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द रिप्लाई मिले उनकी ओर से और एक्चुअली जो भी रीजन है वो हम जान सके एक्चुअली हमारी वेबसाइट में क्या इश्यू है और हमें किस तरह से उसको मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।